एटीएन टीवी न्यूज में आपनो स्वागत छे। ईडर तालुकाना कांग्रेस सोशियल मीडिया अने स्थानिको द्वारा उत्तर प्रदेश ना हाथरस नी पीड़िता ने मनीषा ने न्याय आपवा माटे कैंडल मार्च योजाई, जेमा कांग्रेस सोशियल मीडिया टीम ना विमल सिंह परमार, राकेश परमार, सौरभ पटेल तेमज स्थानिक आगेवानो हाजर रह्या हता। ज्यारे उत्तर प्रदेश में जे घटना बनी छे तेने लईने समग्र देश रोष भमूकी उठ्यो छे, त्यारे साबरकांठा जिल्लाना ईडर शहर में पण कांग्रेस सोशियल मीडिया द्वारा मनीषा ने न्याय अने दोषीओने सजा थाय तेना सूत्रोच्चार साथे श्रद्धांजलि आपीने बे मिनिटनु मौन पाळवामां आव्यु हतु। रिपोर्टर आबिद खन्ना, एटीएन टीवी न्यूज, ईडर। रोज कांग्रेस सोशियल मीडिया तरफ थी आजे जे यूपीनी अंदर हाथरस की अंदर जे मनीषा नामनी दीकरी पर अमानुष्य अत्याचार बनी 15 दिवस सुधी दवाखाना में रही, मृत्यु थया बाद एनी लाश ने अर्धी रात्रि बारी गोठवामां आवी। एना संदर्भे आजे अमे सोशियल मीडिया टीम तरफ थी श्रद्धांजलि कार्यक्रम राखेल छे अने सरकार ने पण जणावी रह्या छे अने ज्या ज्या जे दरेक जग्याए आजे धरना रेली योजाई रही है, श्रद्धांजलि कार्यक्रमों योजाई रहा है। अमे पण सरकार ने आँखों जगाड़वा माटे कही रहा छे कि अमानुष अत्याचारों थाय नहीं अने देशनी दीकरीओने न्याय मळे, गुनेगारोने सजा मळे अने फरीथी क्यारे पण आवा अमानुष अत्याचार न थाय ए माटे कड़कमां कड़क कायदा बनावी सरकारनी आँखों खोले ते माटे आज रोज अमे आ रीतनो प्रोग्राम करीने सरकारने जगाड़ीए छीए।